नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चलिए आपको बता दें देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र और गोवा में मानसून ने दी दस्तक, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75 लाख के पार, 4.20 लाख से अधिक मौतें। कोरोना काल में बना इतिहास, पहली बार वीडियो कॉल में सामने आई महारानी एलिजाबेथ। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, नक्शे पर हमारा फैसला स्थायी, भारत से चाहते हैं बातचीत। अश्वेत को अगली पढ़ाने पर बंगाल सरकार की कार्रवाई, 2 टीचर सस्पेंड। बीजिंग में 56 दिन बाद फिर लौटा कोरोना, चीन में 16 नए मामले। दिल्ली में 3 महीने से डॉक्टरों को नहीं मिला वेतन, डीएमए ने अमित शाह को लिखा खत। भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने अपनी फौज में शामिल किए होविट्ज़र तो। यूपी में अंडे फूटने से मां ने बेटी का सिर दीवार में दे मारा, मासूम ने दम तोड़ा। पाकिस्तान के पीएमएलएम के अध्यक्ष शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 57 पैसे और डीजल की कीमत में 59 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। यूरोप के इटली स्पेन में थम रही कोरोना की रफ्तार, रोज होने वाली मौतों में कमी। बेंगलुरु में NTCAA रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली अमूल्य को मिली जमानत। US विदेश विभाग की रिपोर्ट में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता, CAA 370 का जिक्र। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, कोई हताहत नहीं हुआ। अमेरिका में जारी कोरोना संकट के बीच इसी महीने से चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे ट्रंप। दिल्ली में कोरोना कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 244। चीन की मानव रहित पनडुब्बी का कारनामा, दुनिया की सबसे गहरी जगह पर लगाया गोता। पाकिस्तान को भारत का मुंह तोड़ जवाब, पीओके की 10 चौकियां की तबाह। पीपीई किट को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय दंपति सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। श्रद्धा कपूर को पसंद है स्ट्रीट फूड, बड़ा पाव खाते हुए वीडियो हुआ वायरल। ट्विटर के नियम और भी होंगे सख्त, बिना पढ़े लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे यूजर्स। 5 साल में पहली बार शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा के लिए बनाया खाया, मीरा ने शेयर किया। कैलिफोर्निया एरिजोना में आग, 14,000 एकड़ जलकर खाक, टस्कन में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। भारत का श्रीलंका दौरा रद्द, दोनों बोर्ड ने माना कि अभी नहीं खेल सकते।